अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रमज़ान मुबारक। क़ुरान के साए में गुजारने वालों को सबक नंबर 3 के अंदर खुश आमदेद। फहमे क़ुरान क्लास हमारी नहायत मौसर अंदाज में जारी है। हम सब ये कोशिश करें कि जो कुछ सुने उस पर ज़रूर अमल करें, उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लेकर आएं। अपनी पूरी ज़िंदगी में और ख़ुसूसन नमाज के अंदर हम ये ख्याल रखें कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसी तरह दूसरे सबक में हमने पढ़ा कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने हर वक्त चौकन्ना रहना है कि वो कब और कहाँ हमें सीधे रास्ते से भटका रहा है। इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए आज हम अपनी तीसरी क्लास की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरूनल कुरआन। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान करीम पर? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? रब्बि इशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा, रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इससे पहले हम तकबीर तहरीमा और सना पढ़ चुके हैं। तआवुज़ और तस्मिया के बाद अब हम सूरतुल फातिहा की तरफ पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और ये इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसलिए दिन में कई बार हम इसे पढ़ते हैं। सूरत फातिहा के अल्फाज कुरान करीम में 7,500 दफ़ा आते हैं। ये आप देख रहे हैं जितने अल्फाज बार बार आ रहे हैं रेड कलर में, ये सुरख रंग के सारे अल्फाज सूरत फातिहा के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही तरफ़ के साथ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्म दो अल्फाज का मजमुआ है, बा के मैनी से और इस्म के मैनी नाम। बिस्म यानी नाम से, इस्म की जमा अस्मा, जैसे अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम। लफ्ज़ अल्लाह के बारे हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला का जाती नाम है। अर रहमान, इस तरह के अरबी अल्फाज में जोश का इजहार होता है, जैसे अदशान के मैनी शदीद प्यासा, अगबान के मैनी शदीद गुस्से में, और जवान के मैनी शदीद भूखा। तो अर रहमान का मैनी क्या हुआ? पुरजोश रहमत वाला, इंटेंसली मर्सीफुल यानी बहुत मेहरबान। अर रहीम, इसमें तसलसल का इशारा है, जैसे जमील खूबसूरत, खूबसूरत वो नहीं जो कल बदसूरत था। इसी तरह करीम, अच्छे अखलाक वाला वो नहीं होता जो परसों गालियां दे रहा था, बल्कि जो हमेशा से अच्छे अखलाक वाला है। तो अर रहीम के मैनी मुसलसल रहम करने वाला, कॉन्टिन्यूली मर्सीफुल। तो रहमत के जोश को तसलसल से जरब दीजिए, रहमत की मूसलाधार बारिश जो मुसलसल हो रही है। जब भी हम बिस्मिल्लाह पढ़ें तो हमारे जहन में हो कि अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह हम पर बरस रही है। तो इसी तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। अर रहमान, जो बहुत मेहरबान। अर रहीम, निहायत अहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र। इसके दो मानी हैं। हम्द के मानी आमतौर पर तारीफ होता है, लेकिन इसका दूसरा मानी शुक्र भी है। लिल्लाह, अल्लाह के लिए। रब, रब के मानी है परवरिश करने वाला, पालने वाला। अच्छा, अल्लाह कैसा रब है? जर्रे जर्रे को, यानी हमारे अंदर करोड़ों खुली हैं, उन सबको पालने वाला। और कब पालने वाला? पल पल में पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। इंसान पैदाइश से लेकर वफात तक सांस लेता रहता है। इसी तरह दुनिया की तमाम मखलूकात
को पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अल आलमीन आलम की जमा है, जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आलम इंसान, आलम हैवानात, आलम मलाइका, आलम जन्नात। तो इसी तसव्वुर एहसास के साथ प्रैक्टिस करें कि हर तरह की तारीफ किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए है तमाम तारीफें और शुक्र। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, पल पल में जर्रे जर्रे को पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, अर्रहमान के मानी बहुत मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला, यानी जिसकी रहमत मूसलाधार बारिश की तरह हम पर हर वक्त बरस रही है, और उस वक्त बहुत ज्यादा बरस रही होती है जब हम नमाज में ये कलिमात कह रहे होते हैं। काश के हम नमाज में ये अल्फाज कहते वक्त अपने ऊपर ये तसव्वुर और ये एहसास तारी करें कि हमारे रब की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह हम पर बरस रही है। आइए अपने इस सबक के दूसरे हिस्से यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, सिर्फ 6 अल्फाज पढ़े थे, आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी है इशारों के साथ। ये देखें आपके सामने इशारे मौजूद हैं। हुवा, दाएं तरफ एक उंगली से इशारा करना है। हुवा, वो, हुम, वो सब, अब इसमें उंगलियां 4 हो गई हैं। अंता, आप, सामने की तरफ इशारा है। अंतुम, आप सब, यानी सामने की तरफ लेकिन ज्यादा इशारे हैं 4 उंगलियों के साथ। आना, मैं, यानी इशारा बिल्कुल अपनी तरफ एक उंगली के साथ। और नहनु, हम, यानी इशारा 4 उंगलियों के साथ अपनी तरफ। तो ये इशारे आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और अगर आप ये याद कर लें तो जबान इसकी प्रैक्टिस करें और हमें व्हाट्सएप करें। आज का सबक है अल्फाज यानी कलमे की अकसाम। कलमे की 3 किस्में हैं। इस्म, इस्म कहते हैं किसी का नाम, जैसे किताब मक्का, या सिफ्त, जैसे मुस्लिम मोमिन। फेल, जिससे किसी काम के होने या करने का पता चले, जैसे फताहा, उन्होंने फतह किया, या अलमून, वो अमल करते हैं। हर्फ, जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाता है, जैसे बा, लाम, मीन, अभी हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो ये इस्म है, जैसे मुस्लिम, मोमिन, सालिह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। जमा बनाने का तरीका बहुत आसान है, वाव नून या नून बढ़ा देंगे तो ये जमा बन जाएगी, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन से क्या बनेगा? मोमिनून, मोमिनीन। अलबत्ता वाव नून कहाँ आता है और या नून कहाँ आता है ये इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो सालिह की जमा बनाएं क्या बनेगी? सालिहून, सालिहीन। काफिर की? काफिरून, काफिरीन। मुशरिक की? मुशरिकून, मुशरिकीन। मुनाफिक की? मुनाफिकून, मुनाफिकीन। अब ये जो हमने हुआ, हुम, अंता, अंतु पढ़ा था, इसको हमने मुस्लिम के साथ लगाना है, तो इशारों के साथ पढ़ेंगे। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंत मुस्लिम, आप एक मुसलमान है। अंत मुस्लिमून, आप सब मुसलमान है। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। इसकी हमने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि ये हमें अजबर हो जाए। एक बार दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हुआ मुस्लिम, अपने दाएं तरफ इशारा कीजिए एक उंगली के साथ, वो एक मुसलमान, और 4 उंगलियों के साथ दाएं तरफ इशारा, हूं मुस्लिमून, वो सब मुसलमान। अंता मुस्लिम, सामने की तरफ एक उंगली के साथ, अंता मुस्लिम, आप एक मुसलमान, और सामने की तरफ 4 उंगलियों के साथ, अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान। अना मुस्लिम, एक उंगली के साथ अपनी तरफ इशारा, मैं मुसलमान हूं। नहनु मुस्लिमून, 4 उंगलियों के साथ अपनी तरफ इशारा, हम सब मुसलमान हैं। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मानी उतनी जल्दी याद होगा, और देर तक याद रहेगा और जल्दी याद आएगा। ये TPI टोटल फिजिकल इंट्रक्शन यानी इशारों का खास फायदा है। तो ये आज के अहम नए अल्फाज और मिसालें हैं जो आज हमने पढ़े हैं। अल्लाह, जैसे आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, अश्शैतान, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। इस्म यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और इसमें रहमान रहीम भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अलहमद और अल आलमीन, और मालिक यौमिद्दीन में यौम और अद्दीन, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। और ये सारे अल्फाज कुरान करीम में इतनी दफा इस्तेमाल होते हैं। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हमारा ये कोर्स रोजाना शाम 4 बजे ग्रुप में शेयर किया जाता है। आप कोशिश करें कि खुद भी सुने और आगे भी शेयर करें। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। रोजाना सुबह 10 बजे हमारा नाजरा कुरान कोर्स होता है, उसको भी सुने, उसे भी आगे शेयर करें।
अपने घर वालों और दोस्तों के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिक, नशहद अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में सब उम्मत मुस्लिमा को याद रखें। अल्लाह ने गिबान।